समुद्री डाकुओं द्वारा अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास पिछले महीने एक कॉमर्शियल जहाज से अगवा किए गए 19 भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। हालांकि अगवा किए गए भारतीयों में से एक की कैद में ही मौत हो गई है। अंबुजा स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि उसने भारतीयों की रिहाई के लिए नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ साथ पड़ोसी देशों के अधिकारियों से भी मदद मांगी थी। अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास जहाज एमटी ड्यूक से 15 दिसंबर को चालक दल के 20 भारतीय सदस्यों को अगवा कर लिया गया था। अंबुजा स्थित भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर बताया कि 19 भारतीय नागरिकों को शनिवार को रिहा कर दिया गया, जबकि डाकुओं की कैद में एक भारतीय की मौत हो गई। भारत ने अगवा किए गए भारतीयों की रिहाई में सहयोग देने के लिए नाइजीरियाई अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने एमटी ड्यूक से 15 दिसंबर को अगवा किए गए 20 भारतीय नाविकों की रिहाई को गंभीरता से लिया और नाइजीरिया की सरकार के साथ मिलकर उन्हें छुड़ाने की कोशिशें की। दूतावास भारतीयों की वापसी में मदद कर रहा है। इससे पहले नाइजीरिया में साल 2016 में दो भारतीय मैंगापुडी श्रीनिवास और कौशल अनीस शर्मा को स्थानीय अपराधियों ने अगवा कर लिया था, जिन्हें बाद में छुड़ा लिया गया था। इन दोनों भारतीयों की रिहाई में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अहम भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कार में सवार होकर अपनी कंपनी के प्लांट की ओर जा रहे थे। एक ट्रैफिक सिग्नल पर हथियारबंद लोगों ने उनका अपहरण कर लिया था। श्रीनिवास और कौशल बेन्यू सीमेंट कंपनी में काम करने के लिए नाइजीरिया गए थे।